क्योंकि मेरे पास भी मैंने गांव से कार्ड डाल रखे हैं, तो मैंने कार्ड मारने मेरा मायका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मेरे मायके में पठाल वाले घर भी हैं। छोटी चाची, छोटे चाचा और बड़ी चाची, तो इनको तो मैंने बेद दिया है। इतने दूर नहीं थे, ये 2012 की आपदा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है मधुसूदन घाटी के खूबसूरत से गांव मंगोली गांव से मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। अब ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मायके से, और मायके के छत से खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। सामने पे है चौखंबा, चौखंबा पर्वत। आज ना मौसम ऐसा है कि पूरे बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है, बारिश आने के लिए हो रखा है, और हम लोगों को अभी बारिश नहीं चाहिए थी। मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मेरे पास भी मैंने गांव से कार्ड डाल रखे हैं, तो मैंने कार्ड मारने के लिए अपने चाची लोगों के यहाँ जाना है, यानी उनको बेदने के लिए भी जाना है साथ में। तो चलिए भाई चलते हैं और चाची लोगों के घर में भी ले जाते हैं आप लोगों को। तो चलिए जी, आज मायके वाले घर पे काफ़ी सुनसान सा है, भैया लोग अंदर बैठे हैं, यहाँ मेरी दीदी है, तो बाकी मैं हूँ, तो मैं तो चलती हूँ नीचे गांव में चाची लोगों के घर पे। तो चलिए भाई यहाँ से जाना है मैंने चाची लोगों के घर पे। यहाँ से पता नहीं रास्ता भी होगा, पता नहीं कितने सालों बाद आ रही हूँ मैं इन गलियों में। और ये ना पहले यहाँ पे छोटे छोटे घर थे, एक ऐसे जी चाची लोगों के घर पे पहुँच गई हूँ। ये है मेरी छोटी चाची लोगों का घर और ये है बड़ी चाची लोगों का घर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कहाँ गए? तो यहाँ चाचा जी बैठे हुए हैं, चाचा जी दुकान के लिए तैयार हो रहे हैं। जूते लगाए नेपाल के जूते, तो बढ़िया तो है वो सर्दियों के लिए। नहीं तो, हाँ। अपनी चाची लोगों के छत पे आ गई हूँ और चाची लोगों का घर सबसे लास्ट में है, तो यहाँ से मेरा मायका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और मेरे मायके में पठाल वाले घर भी हैं, छत वाले घर भी हैं। जो पठाल वाले हैं वो काफी पुराने घर हैं। तो यहाँ पे है मेरी छोटी चाची, छोटे चाचा और बड़ी चाची, तो इनको तो मैंने बेद दिया है, इन्हीं के बेद वगैरह आ रखी थी मैं। तो चलिए मैं जरूर आना है। हाँ तो चलिए, ये बाकी लोग तो शर्मा रहे हैं। ये है मेरे भतीजे लोग, ये है बहन और ये बुआरी है, भूले की बुआरी है, और ये भाभी जी है, ये छोटा बच्चा मैं भाभी हूँ, ये हमारा बच्चा, ये हमारा छोटा भतीजा है, ये मोदू भैया, मोदू भैया के साथ। चलो बाय 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 बाय, ठीक। हाँ, मैं काफी परिवर्तन हो चुका है। तो यहाँ पहले कुछ दूसरे मॉडल के मकान थे, अब काफी परिवर्तन हो चुका है। समय के साथ ऐसे ही होता है ना मधु। तो पहले मेरे गांव के घर इतने दूर नहीं थे, ये 2012 की आपदा के बाद लोगों ने ना इस तरफ खेतों में अपने घर बनाए। अच्छा ये आख जी, वो तो बस चल जा। क्या रखी हूँ सुनील लोगों के घर पे, और ये हैं जो मेरी दीदी हैं, जेठानी हैं, उनके रिश्तेदार हैं और मेरे भी रिश्तेदार हैं, तो इनको बेदने के लिए भी आ रखी हूँ मैं। अंदर बूढ़ा जी बैठे हुए हैं। ना ना बैठा रहा। लास्ट में आई हूँ मैं कुली भैया के घर पे, सबसे लास्ट में कुली भैया के घर में। हेलो, खुद मेरू नींद भाई हूँ। यहाँ पे हैं चाची जी, चाची बंडा ले रहे, मैं फोन पकड़ दो। चले जी, मैं घर पे पहुंच गई हूँ, यहाँ मेरी भतीजी के प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा नाम करती हूँ, नाच करती है। ये पापा तो बहुत अच्छे से ऐसे वाला लाते हैं, पिंक वाला ड्रेस, मुझे पिंक वाली ड्रेस चाहिए। पापा जाएंगे तो ये वो पिंक वाली ड्रेस चाहिए, वाले ड्रेस को दीदी
बॉर्डर से बोल पिंक वाली ड्रेस तो दोस्तों अभी दिन के 12:15 हो रहे हैं और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ और मौसम ना जैसा सुबह था वैसे ही है, पूरी बादल लगे हुए हैं और मेरे भाई भी लगे हैं वहाँ पे पानी डालने पे, वहाँ पे बहुत कजीले हैं मेरे भाई। और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, भाई भी लगे हुए हैं दाल कूटने पे क्योंकि मौसम ना खराब हो रखा है, बारिश भी हो सकती है, वो दाल सूखी हुई है। तो भाभी लोग भी जंगल से आ चुके हैं और इन थैलों में आ रहे हैं सूखे पत्ते यानी पथले आ रहे हैं। तो आजकल हमारे गांव में ऐसे ही पथले ला रहे हैं, यहाँ कट्टों पे, यहाँ देखो उसमें घास भी है और पथले भी हैं,